हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पेशली एक्टिव और पैसिव वॉइस में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहले ये पता होना चाहिए कि WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं। वो सवाल, वो सेंटेंसेस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनके शुरू में WH क्वेश्चन वर्ड आ जाए। जैसे कौन से क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु है, व्हिच है, व्हेन है, हुम है, हाउ है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको कहा जाता है WH क्वेश्चन वर्ड्स। अगर ये सेंटेंस में आ जाए एक्टिव सेंटेंस में और हमें कहा जाए कि इसको पैसिव में चेंज करो, तो कैसे चेंज करेंगे, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से आज ये सीखेंगे। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। ये तीनों जो है WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे व्हेन, वेयर और व्हाई लिखा। व्हेन डिड दे प्ले द मैच, वेयर डिड दे प्ले द मैच एंड व्हाई डिड दे प्ले द मैच। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं। तो पैसिव करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो WH क्वेश्चंस वर्ड लिखे हुए हैं ये हम पहले सेम रखेंगे। यहाँ पर वेन लिखा क्योंकि वेन लिखा हुआ, यहाँ पर हम सेम वेयर रखेंगे, यहाँ पर भी वेयर है, यहाँ भी वाई रखेंगे, यहाँ वाई है, सिंपल। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव का रूल है कि जब भी पैसिव करते हैं एक्टिव को तो ऑब्जेक्ट पहले ले जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे कौन सा है, दी मैच। लेकिन याद ये रखना है कि देखो व्हेन डिड यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। किसके मुताबिक, इसके मुताबिक और टेंस के मुताबिक। टेंस कौन सा, ये टेंस कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। जब चेंज होता है पैसिव में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगते हैं। अब देखो दी मैच के तहत हम वर तो नहीं लगा सकते, हम क्या लिखेंगे, वाज, व्हेन वाज द मैच। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, ये मैंने पूरा फार्मूला वगैरह तो जो शुरू से इंट्रोडक्शन से लेके कैसे टेंसेस चेंज किए जाते हैं ये सारा सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स पड़ी हैं, चैनल पे वीडियोस पड़े हैं तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन वाज द मैच, अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब कौन सा, प्ले, अब लिखेंगे प्ले, ठीक है। अब बाय लगाएंगे, बाय देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन वाज द मैच प्लेड बाय देम, रखें या नहीं रखें आपकी मर्जी है, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा लें तो सेंटेंस गलत नहीं। इसी तरह हम इस पे आते हैं, इस पे भी ये सेम है, हम क्या करेंगे, दी मैच रखा, ये सेम टेंस है, सेम ही सेंटेंस है, हम वाज लिखेंगे, वाज दे, वाज प्लेड By them, by them आप लगाओ या नहीं लगाओ, इसी तरह ये भी सेम होगा, was the match last month same। अब समझने की बात ये है, अगर यहाँ पर why आ जाए, where आ जाए, when आ जाए, which आ जाए, how आ जाए, तो वो सारे जो question words हैं वो हम पहले same रख के फिर उसको पैसिव करेंगे। इसी तरह पैसिव करेंगे जिस तरह हम दूसरे सेंटेंसेस पैसिव करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेम रूल अप्लाई होंगे, सिर्फ ये सेम रखेंगे, ये रखेंगे। सोचो ये है ही नहीं तो यहाँ से सिंपल सेंटेंस हो जाता है। व्हेन, आप व्हेन को जो है रिमूव कर दें, फिर डिड दे प्ले द मैच, ये आप तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो सिर्फ व्हेन आप रख लें, यहाँ पर इजी हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन वर्ड पे ऐसा फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, इसमें एक और भी WH क्वेश्चन वर्ड है जो चेंज होता है, वो कौन सा है, वो हु है। अब हु जब भी सेंटेंस में आता है तो उसको पैसिव कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि जिस क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हु आ जाए शुरू में, तो हु को सेम हु नहीं रखेंगे, हु भी रख सकते हैं लेकिन कुछ और भी रूल्स हैं। अब क्या है कि हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम, उनके बाद देखें। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है जी। आप इंग्लिश यहाँ लेके आए, ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, इंग्लिश लिखा हमने, लेकिन याद ये रखना है क्योंकि हु को बाय हुम में चेंज किया, यहाँ पर हमने जो है
ऑब्जेक्ट लिया, इंग्लिश लिखा, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, जब चेंज होता है तो उसमें इज मान लगते हैं। इंग्लिश इंग्लिश के लिए हम इज लगाएंगे, बाय होम इज इंग्लिश। अब देखो टाट टीच को, टीच का जो थर्ड फॉर्म में क्या है, टाट लास्ट में, टाट यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इज इंग्लिश टाट यू बाय होम, ये जो बाय होम है ये आप लास्ट में, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हु को सेम हु रखो, इससे भी हो सकता है, हु इज टाट यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह इसको करें, देखो इसको भी हम बाय होम, हु को चेंज किया बाय होम में, बाय होम। अब इसमें हर या ऑब्जेक्ट है, जब यहाँ सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या होगा, शी, लेकिन शी से पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं जी, ये टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब वैसे होता है तो इसमें इज बीइंग, हैविंग और आर बीइंग लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, शी से इज बीइंग इस्तेमाल किया जाता है, इज अब बीइंग यहाँ पे लगाएंगे, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। बाय होम इज शी, अब वर्ब देखो कॉल है, इसको हम कॉल्ड करेंगे और क्वेश्चन मार्क करेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, इज शी बीइंग कॉल्ड बाय होम, इस तरह ये लिखा, इसी तरह भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए कि इसको घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इस तरह के सेंटेंस को, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।